हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्मलाइजर। और ये ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ना है पेपर 6 में। और ये जो मैं आपके सामने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये 2017 में पूछा गया था और 2015 में भी पूछा गया था। नॉर्मलाइजर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछ देगा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, और इससे एक थ्योरम पूछता है, थ्योरम ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इसका एक थ्योरम है। तो इस वीडियो में दोनों को कवर करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, देखिए, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इसका डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, लेट ए वी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ए का कोई भी एलिमेंट है जो ग्रुप जी में होगा, ठीक है, ए का कोई भी एलिमेंट ग्रुप जी में होगा, देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज डिनोटेड बाई एन ए। इसे किस तरह लिखते हैं नॉर्मलाइजर को, एन ए, मतलब एन ए को पढ़ेंगे क्या, एन ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे, एन ऑफ ए, एंड इट इज डिफाइन, डिफाइन है, जिसे डिफाइन करेंगे नॉर्मलाइजर एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड ए एक्स बराबर एक्स ए, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो ये नॉर्मलाइजर होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजर एक सेट है, मतलब जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप एक प्रकार क्या होता है, सेट होता है, मतलब नॉर्मलाइजर एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट का काम क्या कर रहा है, एक्स, एक्स काम कर रहा है, और एक्स बिलोंग किससे करेगा, जी से बिलोंग करेगा, और जी से बिलोंग करेगा, और ए बराबर एक्स होगा, और एक्स बराबर ए होगा, इसका उल्टा ए एक्स, और इसका एक्स पहले और ए। इस कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो क्या होगा, नॉर्मलाइजर होगा। देखिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक नॉर्मलाइजर और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एग्जाम्पल ले लिए, और जो एक्स वन होगा ये भी जी से बिलोंग करेगा, सेम टू सेम ये भी बिलोंग करेगा जी से, और ए जो है ये भी बिलोंग करेगा जी से। तो इस कंडीशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर एक्स वन जी से बिलोंग कर रहा है तो ए एक्स वन, ये आपका क्या है, एलिमेंट है, और इसका भी प्लॉट के लिख देंगे एक्स वन ए, इस तरह कंडीशन से, इस प्रकार कंडीशन से हम यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स वन और एक्स वन ए, सेम टू सेम यही काम करेंगे सभी में, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रूफ की ओर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 में पूछा गया था ये, और ये 2019 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देख लेते हैं, प्रूफ डैट द नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब इसको आपको प्रूफ कर बताना है, नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ ए बिलोंग्स टू जी और सब ग्रुप ऑफ जी, इसको भी आपको बताना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, प्रूफ में लेट मान लेते हैं, एक्स वन एक्स टू बिलोंग करेगा एन ए नॉर्मलाइजर से, ठीक है, किसे बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर से, देन वी हैव, इसका हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वन लिख सकते हैं, और एक्स वन को इसका पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे, ठीक है, अभी कंडीशन बताए थे आपको, और एक्स टू को क्या लिखेंगे, ए एक्स टू और एक्स टू ए। अगर आप डेफिनेशन को समझ गए होंगे तो इसको भी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना कहने के बाद आपको सब ग्रुप को बारे में जान लेते हैं, सब ग्रुप होता क्या है, देखिए आप लिखेंगे, टू प्रूव एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी वी नीड टू शो डैट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर और एक्स वन एक्स टू इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर, ठीक है। सब ग्रुप कब होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी सब ग्रुप होगा, मतलब एक्स वन और एक्स टू का जो इन्वर्स होगा ये बिलोंग किसे करना चाहिए, एन ए से। तो फर्स्टली हम लेकर चलते हैं, एक्स टू इन्वर्स जो है ना एन ए से बिलोंग करना चाहिए, तो इसे हम प्रूव करते हैं आगे लेके। यहाँ देखिए एक्स टू बिलोंग्स टू एन ए, फर्स्टली ऑफ ऑल वी हैव टू शो डैट, इतना को हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, सिंस वी हैव इतना को दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स टू है, यहाँ पर ऊपर कंडीशन लिखे हुए हैं, एक्स टू में क्या लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर एक्स वन है, यहाँ पर एक्स टू है, एक्स टू है कंडीशन, ए एक्स टू बराबर एक्स टू ए, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमको आगे अब प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लेफ्ट कैंसिल लॉ और राइट कैंसिल लॉ। देखिए राइट में हम क्या लगाते हैं, एक्स टू इन्वर्स, यहाँ पर एक्स टू इन्वर्स, राइट में एक्स टू इन्वर्स, क्योंकि अब आपस में कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए हम लगा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ में एक्स टू इन्वर्स ए में और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एक्स टू और एक्स टू इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे और एक्स टू इन्वर्स ए को यहाँ पर लिख देंगे। इसमें भी देखिए ये एक्स टू इन्वर्स और एक्स टू दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, तो इसको छोड़ देंगे और एक्स
ए और एक्स टू इन्वर्स को यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये आपका है इसके किसके बराबर हो गया, दोनों देखिए आपका बराबर हो गया एक्स टू ए और ए एक्स टू इन्वर्स, और किससे बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर से बिलोंग करेगा। तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन हमको सेटिस्फाइड हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से हमको लेके चलना है, अब यहाँ से देखिए हमको अब सब ग्रुप के लिए प्रूव करना है, ठीक है, सब ग्रुप के लिए प्रूव करना है। सब ग्रुप में कंडीशन क्या है, देखिए सब ग्रुप में आपको कंडीशन है एक्स वन एक्स टू इन्वर्स कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए ए एक्स वन, ए क्या है आपका एलिमेंट है, एक्स वन एक्स टू सब ग्रुप के लिए प्रूव करते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देखिए एक ए एक्स वन है तो ए एक्स वन को साथ में लिख लेते हैं और एक्स टू इन्वर्स को बाहर लिख देते हैं। ये कैसे हुआ इसको आपको पता होना चाहिए, किसका यूज किए हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। अब देखिए पहले ए एक्स वन को ले लिए और एक्स टू इन्वर्स को बाहर निकाल दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका भी हम मान निकाल चुके हैं, अगर ए एक्स वन हो तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है एक्स वन को पहले और ए को बाहर, तो इतना यहाँ पर दिया हुआ है तो इसके बदले तो इतना भी लिखा सकता है एक्स वन को पहले और ए को बाहर, तो यहाँ पर हम पहले लिख लिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और एक्स टू बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर से। इतना करने के बाद फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाते हैं, तो इसमें क्या बोलता है एक्स वन को बाहर निकाल देते हैं और इसको ये दोनों को साथ में कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को साथ में करने के बाद आपको यहाँ पता होगा कि इसके बदले फिर हम क्या करते हैं प्लट के लगा लेते हैं, एक्स टू को पहले लिख लेते हैं और ए को बाहर, इसको लिखा जा सकता है इस तरह। इतना करने के बाद आपका देखिए एक्स वन एक्स टू को एक साथ और ए को बाहर निकाल दिए। इतना करने के बाद प्रूफ हो ही गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है इसका, तब कंडीशन जो बाहर लिखा हुआ है बराबर क्रॉस साइड इसको लिख लिए और जो अभी आया है इसको इस तरह लिख लिए। यहाँ से क्या पता चला, एक्स वन और एक्स टू जो है बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर से और एक्स वन और एक्स टू का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर से, ठीक है। तो दिस शो डैट नॉर्मलाइजर इज ए सब ग्रुप, आपका प्रूफ हो चुका है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए जुड़े हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखने के लिए थैंक यू।